फेस्टिवल स्पेशल सुंदर और स्वादिष्ट मावा कचौड़ी आज बनाते हैं। नमस्कार, सोनालिका गौमी किचन में आपका स्वागत है। ऐसी ही नई रेसिपीज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए सबसे पहले इसके लिए आटा गूंथते हैं। तो मैदा यहाँ पे हमने 1 किलो लिया है और 1 किलो मैदे के लिए हमने 200 ग्राम घी लिया है। ये शुद्ध घी है और इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है, तो इसको ज़रूर डालें और बैचेस में घी को मिलाएं इस तरह से, और घी को आटे में बिल्कुल मसल मसल के इस तरह से मिक्स करें कि बिल्कुल एक सार हो जाए, बिल्कुल बढ़िया से इस तरह से मिक्स हो जाए। और इसको मिलाते हुए सारे घी को हमने बैचेस में करते हुए डाल दिया है। अब देखिए आटा, ये जो मैदा हमारा है, इस तरह से बाइंड होने लगा है, मतलब परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। 1 किलो आटे को सानने में करीब करीब 1.25 लीटर पानी हमने यहाँ पे यूज़ किया है, लेकिन पानी को हमेशा बैचेस में डालें और आटा हमें सख्त गूंदना है। तो बैचेस में डालने से एक अंदाज़ा होता है कि पानी कितना डालना है, तो धीरे धीरे गूंदते हुए इस तरह का सख्त आटा बना लें, लेकिन ये स्मूथ भी उतना ही बढ़िया होना चाहिए। देखिए इस तरह से। अब इसको ढक करके, गीले कपड़े से ढक करके इस तरह से छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। इस बीच स्टफिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई को धीमी आँच पर हमने पहले गरम कर लिया, फिर धीमी आँच पर करके सूजी को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। जब हल्का रंग बदलने लगे तो 1 चम्मच घी डाल करके उसको पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। ये इस तरह का रंग आ जाए तो इसको निकाल लेंगे एक बड़े से बोल में, और उसी कढ़ाई में थोड़ा सा यहाँ पे हमने नारियल पाउडर लिया है, उसको भी भून लेंगे। इसको हमें बिल्कुल 1 मिनट तक ही भूनना है, ये बहुत जल्दी पक जाता है, तो ज़्यादा इसको ना पकाए, इसको तुरंत निकाल लें। बस इसमें एक नटीनेस आ जाएगा, बढ़िया फ्लेवर आ जाता है। अब इसको इसमें मिक्स कर लें और उसी कढ़ाई में हम फिर डालेंगे मावा। तो मावा हमने 400 ग्राम लिया है और इसे बढ़िया से भुनना है जिससे इसका कच्चापन चला जाए और बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ जाएगी इसमें। तो इस तरह से इसको भून लें मीडियम लो हीट पर। जब बिल्कुल कढ़ाई छोड़ने लगे तो इसको भुनना बंद करके निकाल लें। ठंडे होने के बाद ये काफ़ी सख्त हो जाएगा। अब इसको ठंडे होने के लिए छोड़ते हैं और चाशनी बनाते हैं। 1 किलो चीनी में 1.25 लीटर पानी डाल करके इसको बिल्कुल बढ़िया से पकाना है। तो इसमें हमने इसके बाद डाला इलायची पाउडर और थोड़े से हमने यहाँ पे केसर के धागे डाले हैं, केसर, और इसको मिलाना है। जब ये इस तरह का हो जाए, चीनी अंदर पिघल जाए, तो हम इसमें कलर डालेंगे। तो फूड कलर यहाँ पे हमने ऑरेंज वाला 2 बूंद डाल लिया है। इसको अच्छे से मिला लें, एक उबाल आ जाएगा बढ़िया इस तरह का। तब इसमें नींबू डाल दें, आधा नींबू को हम निचोड़ लेंगे, इससे जो हमारी चाशनी है वो क्रिस्टलाइज ना होने पाएगी, बहुत बढ़िया स्मूथ बना रहेगा। अब ये 5 से 6 मिनट के बाद एक तार की चाशनी इस तरह से बनने लगेगी हमारी। बिल्कुल देखिए फ्लो इसका बहुत बढ़िया हो गया है। तो बंद करके साइड करें। अब मैदे को निकाल करके हम फिर से बढ़िया से इसको गूंद लेंगे, सान लेंगे इस तरह से। अब हम 4 रंग का बना रहे हैं, तो मैदे को 4 भाग में बांट ले, बराबर भाग में इस तरह से। और इसमें हम बारी बारी से फूड कलर ऐड करेंगे। तो ये 4 हमारे गोले रेडी हो गए इसके। अब पहले वाले में हम रेड कलर डालेंगे। तो करीब हमने 1 चम्मच या 5 बूंद लाल रंग डाला है। आटे में मिलने के बाद ये गुलाबी रंग का हो जाएगा। तो ये देखिए मिलाने के बाद हमारा पहला डो रेडी हो गया है। अब दूसरे वाले में हम हरा रंग डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको मिलाएं, काफ़ी जल्दी मिक्स हो जाएगा ये। ये हमारा हरा डो रेडी हो गया। तीसरे वाले में हमने पीला रंग डाला है और इससे हमारा पीला डो रेडी हो जाएगा इस तरह का। लास्ट वाले को हम सादा ही छोड़ देंगे। तो ये हमारा 4 कलर का मावा कचौरी रेडी होगा। अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है स्टफिंग वाला मावा, तो इसको तोड़ ले, अच्छे से मिक्स कर ले। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। 1 चम्मच घी डाले और इसमें डाले बादाम के थोड़े से टुकड़े, और इसको भून करके हम डाल लेंगे इसमें। इसके बाद हम काजू को भूनेंगे। अलग अलग भुना है क्योंकि सबके भुनने का समय अलग होता है, इससे बहुत ही बढ़िया क्रंचीनेस आता है। तो इसको डाल ले। अब इसमें डाले पिस्ता। पिस्ते को हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है, 2 चम्मच निकाल लेंगे, गार्निश में इसका उपयोग करेंगे। बाकी को स्टफिंग में डाल ले। इस
सब स्टफिंग्स को बिल्कुल ठंडे होने के लिए छोड़ना है, और किशमिश को भी इसी तरह से डाल के बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। सारे जब सामग्री ठंडी हो जाए बिल्कुल, तब इसमें आप ऐड करें चीनी पाउडर। तो चीनी पाउडर को गर्म में ऐड कर दिया तो ये पिघल जाएगा। तो बिल्कुल जब स्टफिंग ठंडी हो तब ऐड करें, उसके बाद इलायची पाउडर डाल करके इसको अच्छे से मिला दें। स्टफिंग परफेक्ट रेडी है हमारी। ये देखिए, अब हमने जो यहाँ पे आटे के गोले बनाए हैं इसकी लोई तैयार करते हैं। तो अलग अलग रंग की दो दो हमने बनाई है यहाँ पे, और ये हमारा पहला बैच रेडी होगा मावा कचौड़ी का। तो जितनी सामग्री हमने ली है उसमें करीब 30 कचौड़ियाँ बनेगी। तो बाहर से पानी इस तरह से लगा ले, स्टफिंग डाल ले, 1.5 चम्मच यहाँ पे हमने स्टफिंग डाली है इसमें। अंदर की तरफ इस तरह से धकेलते हुए डालते हुए इसको ऊपर की तरफ पुल करते हुए घुमा करके इसकी चोटी इस तरह से बना ले, और इसको अंदर की तरफ मोड़ दे, हल्के हाथों से दबा ले और किनारों को हल्का सा इस तरह से फैला लें। इसी तरह से सारी कचौड़ियाँ रेडी करें। और तेल को गरम करने के लिए हमने चढ़ा दिया था, तो धीमी आंच पे वो गरम हो रहा है फिलहाल, तब तक हम कचौड़ियाँ रेडी कर रहे हैं। तो इस तरह से सारी कचौड़ियों को रेडी कर ले। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट रेडी है हमारी कचौड़ियाँ। तेल गरम हो गया है, 2 चम्मच घी डाल दें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो बिल्कुल घी में भी इसको डीप फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको चेक कर लिया, तेल परफेक्टली गरम है। तेल जब बिल्कुल हल्का गरम हो तभी कचौड़ियों को डाले, और नीचे उस साइड को डाले पहले जिसको हमने सील किया था और पीछे की तरफ मोड़ा था, तो उस साइड को डाउन की तरफ डाले, नीचे की तरफ डाले। अब देखिए बिल्कुल धीमी आंच पे इसको पकने दे। थोड़ा समय लगता है लेकिन इंतज़ार का फल हमेशा मीठा, बढ़िया और करारा होता है, ये आपको देख के पता चलेगा। बहुत ही बढ़िया से कचौड़ियाँ हमारी ऊपर आ रही हैं, लेकिन पूरे प्रोसेस में 12 से 13 मिनट लगे थे, ये हमने फास्ट करके आपको दिखा दिया। तो ये देखिए, ये बहुत बढ़िया से सारे फूल कर ऊपर आ गए हैं, एक भी कचौड़ी फटी नहीं, और बहुत ही बढ़िया सी ये जो है स्विम करते हुए दिख रही है, बिल्कुल होली के रंग की तरह और फेस्टिवल के की खूबसूरती बिखेरती हुई। अब एक तरफ से ये जब पक जाए तो इसको पलट दे, और दोनों तरफ से इसको बिल्कुल बढ़िया से सेके, बिल्कुल जब बढ़िया से इसका करारापन आ जाए इसमें, बिल्कुल इस तरह से आ जाए रंग इसका खूबसूरत सा खिल जाए, तो इस तरह से निकाल ले। और निकालने के बाद ये देखिए हमारी एक बैच रेडी है, इसको चाशनी में डाल देंगे। अब अंदर स्टफिंग में चीनी है और ऊपर से हमने चाशनी डाल दी, तो ये तो वैसे परफेक्टली स्वीट है, माइल्डली स्वीट है। अगर आप चाहे तो इसमें अंदर से भी चाशनी डाल सकते हैं, कैसे ये आगे देखिए। तो हमारी कचौड़ियाँ परफेक्ट रेडी हैं। अब इसको हम थोड़ा सा सिल्वर वर्क लगा देंगे इस तरह से, और उसके बाद जो हमने पिस्ता रखा था उससे गार्निश कर देंगे। इस तरह से डाल ले सबके ऊपर, थोड़े से केसर के धागे भी हम इसमें डालेंगे। बहुत ही सुंदर दिख रहा है और टेम्पटिंग है, और बहुत ही क्रिस्प और स्वादिष्ट बना है। तो इस तरह से डालने के बाद अगर आप चाहे तो चाशनी अंदर डालने के लिए इस तरह से इसको चम्मच से हल्का सा तोड़ दें और चाशनी 2 चम्मच डाल दें। अब दिखाते हैं अंदर से कैसा दिखता है, बिल्कुल करारे बाहर से, सॉफ्ट और जूसी अंदर से। आया न मुंह में पानी, बहुत ही स्वादिष्ट मावा कचौड़ी तैयार है। इसका आनंद ले। ऐसे ही नई रेसिपीज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।